झरिया विधानसभा के तीन बूथ में मात्र 25 से 30% पाए गए वोटर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जांच के लिए पहुंचे बूथ। झारखंड में आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। इसके तहत धनबाद जिला में वोटर लिस्ट की अनियमितता की जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान धनबाद जिला प्रशासन को झरिया विधानसभा के धनवाडी बूथ नंबर 221, 222, 223 में मात्र 25 से 30% ही वोटर पाए गए, जिसे लेकर धनबाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कुमार ताराचंद बूथ पर पहुंचे और तीनों बूथ की स्थानीय बीएलओ से और सुपरवाइजर से रिपोर्ट मांगा, जिसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा बीएलओ और सुपरवाइजर को 3 दिनों के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए गए कि किन कारणों से वोटर लिस्ट के अनुसार वोटरों की संख्या कम है। वैसे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कुमार ताराचंद ने कहा कि कम वोटर होने का यही कारण हो सकता है कि कई लोगों को यहां से विस्थापित किया गया है, साथ ही कई मजदूर हो सकते हैं जो अब दूसरे जगह चले गए हो, लेकिन जो भी कारण है उसे स्पष्ट कर वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा और जो भी वोटर हैं उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। कहा कि सुधार की प्रक्रिया अभी लगातार चलेगी। इलेक्शन वही था कि वोटर टर्नआउट जो लास्ट इलेक्शन का था जो लोकसभा या विधानसभा का देखे थे वहाँ वोटर टर्नआउट बहुत कम था, तो स्वाभाविक है अगर वोटर टर्नआउट कम रहता है तो 3-4 मुख्यतः कारण होता है। एक तो हो सकता है कि जो इलेक्टर वोटर्स हैं उनको अपने राइट्स का पता ना हो, तो हो सकता है उसके लिए हो सकता है कमी हो कि आईसी एक्टिविटीज़ कम हो। साथ ही साथ 3 मेजर और रीज़न होते हैं एएसडी का, जिसमें एब्सेंटी वोटर्स या सिक्टेड वोटर्स या डेथ वोटर्स, अगर वो संख्या भी हो सकता है इस एरिया में, क्योंकि मोस्टली वर्कर्स हैं लेबर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम वो शिफ्ट होते रहते हैं, उस कारण भी लिस्ट का प्योरिफिकेशन जरूरी है और इसके लिए स्वाभाविक है ECI भी स्ट्रिक्ट रहती है और स्टेट से भी CSR का स्पेशल वो फोकस रहता है कि कैंपेन मोड चला के हम लोग कम से कम वोटर लिस्ट का प्योरिफिकेशन करें। उसके आलोक में ही आज ये विजिट था और नियर फ्यूचर में CSR का विजिट होना है, जिसमें इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। उसको देखते हुए BLO को बुलाया गया था, सुपरवाइजर है साथ में, वहाँ के AEO साहब भी हैं और डिप्टी रिटर्न ऑफिसर भी, जिसके उन्होंने आके यहाँ पर निरीक्षण किया कि क्या वजह है कि यहाँ पर वोटर टर्नआउट कम होता है और जो दिशा निर्देश है वो AERO और संसद BLO को दे दिया गया ताकि हम लिस्ट का प्योरिफिकेशन करें। सर और भी जगहों का निरीक्षण किया जाएगा? नहीं सर, वही क्या हमने लास्ट लोकसभा विधानसभा चुनाव का सारा लिस्ट हमारे पास है। हम लोग सबसे पहले तो लोएस्ट जो वोटर टर्नआउट है उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मीन टाइम हम लोग जो भी 50% जो स्टेट का एवरेज है 52% कह रहे हो, उससे नीचे जहाँ जहाँ भी वोटर टर्नआउट कम है उसको हम स्पेशल कैंपेन मोड चलाते हैं, वहाँ के लिस्ट का प्योरिफिकेशन और किसी कारणों से अगर IC एक्टिविटी कम हुआ तो उसको बढ़ाकर वोटर की जो रुझान होते हैं इलेक्शन के प्रति बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है।